नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यू थेरेपिस्ट और कार्पेक्टर, और इस समय हमारे साथ में हैं शुभम जोशी जी। और इनको क्या दिक्कतें थी ये अपने बारे में खुद बताएंगे, और पिछले कुछ समय से हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसके इनको क्या बेनिफिट मिले हैं, क्या बेनिफिट नहीं मिले हैं, जो भी है मैं एक छोटा सा इनका फीडबैक लेना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मेरा फीडबैक ये है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी L4 L5 डिस्क और L5 S1 डिस्क बल्ज हो रखा था मुझे, जो डीजनरेशन भी था मेरी डिस्क में। तो जब मैं यहाँ आया था तो मेरा जो स्टेप था मैं पूरा कंप्लीट नहीं रख पा रहा था अपने राइट लेग से, जिसको मेरे को चलने में बड़ी दिक्कत थी, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत थी। बट जब मैं यहाँ आया, मैंने आपसे ये थेरेपी ली, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हफ्ते होते गए तो मेरा स्टेप खुलते गया, धीरे धीरे जो मेरा नर्व पेन था वो भी कम होते गया। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं 90% रिकवर हो चुका हूँ। बहुत माइनर सा मेरा पेन है, जैसा आपने बताया कि वो विटामिन की कमी से धीरे धीरे सही हो जाएगा, रिकवर हो जाता है। तो फिलहाल जो मैं आया था और अब तो मैं 90% रिकवर हो चुका हूँ। ना मुझे बैठने में दिक्कत है, ना चलने में दिक्कत है, मतलब स्टार्टिंग से अब बहुत फर्क है, और सच में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्चुअल में सभी बैक पेन का कारण आपका डिस्क का इधर से उधर होना, वो सब नहीं होता है। कभी कभार पेट का भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आदमी को दर्द होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि हर चीज़ का बस दर्द हो गया कमर में, तो इसका मतलब कमर की नस दब गई है या डिस्क खिसक गई है। कभी कभार हम सिर्फ पेट को ठीक करते हैं और सिर्फ पेट ठीक करने मात्र से भी कमर दर्द निकल जाता है। जरूरी कि सभी प्रकार का कमर दर्द एक प्रकार का हो, क्योंकि इनकी वो चीज़ें MRI में आई थी, तो इसलिए उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अब ये ठीक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि लोग देखा देखी दूसरे को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, जैसे आप आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ उनका पेट भी ठीक करें तो उससे भी बात बन जाती है, सिर्फ पेट ठीक करने मात्र से। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको पेट ठीक करने का नहीं दिया, इनको पेट ठीक करने का भी ट्रीटमेंट दिया और डिस्क बल्जिंग का भी ट्रीटमेंट दिया, मिक्स करके दिया है, जिससे इनको जो भी फ़र्क आया है वो पिछले कुछ समय में आया है, लगभग 1 महीना होने को आने वाला है। तो जो भी इस तरीके से जो पीड़ित हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर बात का एक ही सॉल्यूशन हो कि आप जाएं कहीं पर तुड़वा मुड़वा के आएँ, फिर उसके बाद वो पेन बढ़ जाता है। क्योंकि जो एक्सपर्ट लेवल के जो काम करते हैं वो इधर नहीं हैं, और वो क्या है कि बड़े शहरों में हैं या बड़ी जगहों पे काम करते हैं, तो हम वो चीज़ बहुत माइनर यूज़ करते हैं और बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दवाई के हम इस चीज़ को ठीक करते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और सिस्टम अपने आप में खुद को ठीक करने में सक्षम है। तो आशा करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है, वो करवाएं न्यूरोथेरेपी, नहीं करवाएं कुछ। बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि बिना मेडिसिन के भी आदमी एकदम ठीक हो सकता है। जैसे मैं सबसे पहले, मेरे को जब भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे सीधे ऑपरेशन के लिए बोला, जिससे मैं मतलब काफ़ी डर गया। मैंने कहा कि किसी ऐसी कौन सी बीमारी होगी कि जो ऑपरेशन से ही सही हो सकती है। तो उसके बाद मैंने आपसे मैं मिला, मेरे घर में भी मेरी माताजी को भी प्रॉब्लम थी, तो मेरी माताजी ने कहा तू सर के पास जा। तो मैं आया तो मैं फ़र्क है, और मैं आप लोगों के आगे बता रहा हूँ कि मेरे को पूरा फ़र्क है और मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका हूँ। अब जैसे जैसे इनकी बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये ठीक होते चले जाएंगे। जो कि 10-15% जो भी बचा है इनका, वो लगभग 100% कम्प्लीट हो जाएगा और आगे इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ चीज़ों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा, वजन उठाने वाले से बचना है और कोई भी खींचा खाँची वाला काम नहीं करना है, जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा शारीरिक ज़रूरत से ज़्यादा खींच करके उस चीज़ को ठीक करते हैं हम, तो वो वाले इनको काम नहीं करने हैं। कोई भी चीज़ हम घर में काम करते खींचते हैं किसी चीज़ को ज़ोर से अपने बल से, तो वो वाले काम नहीं करने हैं। तो आप 100% हमेशा के लिए ठीक रहेंगे, बाकी आप नॉर्मल डेली लाइफ जी सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।